मथुरा के थाना मंगोरा इलाके में आज राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस उस समय आमने सामने आ गई जब राजस्थान के भरतपुर जिले में मथुरा की सीमा पर आने के लिए हजारों बिहारी मजदूरों की भीड़ एकत्र हो गई, जिन्हें राजस्थान पुलिस ने जबरन आज सुबह मथुरा में प्रवेश कराने की कोशिश की। तो वहां पर मौजूद चौकी इंचार्ज दरोगा अनिल कुमार और दरोगा पुष्पेंद्र कुमार ने राजस्थान पुलिस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, जिसमें दोनों ही पुलिस राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस में आपस में धक्का मुक्की के साथ झड़प हो गई और मथुरा के दो दरोगाओं के हाथों की उंगलियों में चोट आई है। वहीं घटना की जानकारी मथुरा के आला अधिकारी को लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मथुरा के डीएम सर्वग्राम मिश्र भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर एसएसपी भरतपुर से बात करते हुए मामले को सुलझाकर पूरे घटना की जानकारी मथुरा के डीएम ने दी। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के अधिक पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योग नगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर के ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पर आप लोग देख रहे हैं।